ये क्या हो रहा है अंजलि, क्या लेके बैठी हो अंजलि? चलो अंजलि लेके कुछ बैठी है, क्या करना है इसको? जोड़ के दिखाओ कैसे असेंबल करो इसको। अच्छा इसको पहले लगा लिए, ठीक है। उसके बाद ओके अंजलि सेट कर रही है। कोई दिक्कत है अंजलि? बराबर करो उसको, बराबर में लाओ। हाँ ठीक है, अब कैप के जरिए बंद करेंगे, ठीक है। हो गया बंद। अच्छा ये क्या है, झूला है क्या? हाँ झूला है, झूलने के लिए। झूलोगे क्या? कोई झूलना है? नहीं झूला नहीं है। चलिए इसको लगा कर देखिए, बैलेंस करिए। क्या कुछ समझ में आया सबको? किसी एक तरफ एक संख्या बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ वो अप हो जा रहा है, इधर डाउन हो जा रहा है, यानी बैलेंस उधर झुक जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ बराबर की मात्रा होगी। एक साइड में अधिक लगा के देख लो क्या होता है उसके बाद। ओके छोड़ दो, अब जरा छोड़ के देखो तो क्या होता है। अरे रे रे, ये क्या हो गया? इधर डाउन हुआ उधर अप हो गया, यानी इधर वजन ज्यादा हो गया और इधर वजन कम हो गया। वजन ज्यादा होने पर उस तरफ झुका होगा और दूसरी तरफ कम झुका होगा, वो चीज उठ जाएगी, ठीक है। अब क्या करें इसके लिए? किस तरफ लगाएंगे? जिधर कम है। हाँ तो लगाओ, लगा के दिखाओ। अब उधर हो गया ज्यादा, आपने बराबर का बैलेंस नहीं लगाया। काउंटिंग कर रही हो? बस बहुत बढ़िया, काउंटिंग करो। मधु को समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है। अब बराबर हुआ भाई, आपने कहा एक ही बराबर है, एक ही बराबर नहीं है, अब बराबर हुआ। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, उधर कितने हैं काउंट करो? 7 है ना, तो अब बराबर हुआ था ना। पहले कितना था? इधर 6 था, उधर 7 था, इसीलिए बैलेंस नहीं हो रहा था। अब बैलेंस हो गया, हो गया है बैलेंस, ये समझ में आया। ये क्या है? बैलेंस मशीन है। आपको बैलेंस सीखना है, दोनों तरफ संतुलन बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़िया।